दीजिएगा, किसी को यह कर दीजिएगा, ठीक है मीडिया कर्मी के द्वारा कुछ किया गया तो उसकी लिखित शिकायत करते, उस मीडिया के कर्मी के खिलाफ शिकायत करते कि आप कहीं रोड पे खींच के उसको मार दीजिएगा, या तो ऐसे भी कानून कानून के दायरे में आता है, या तो जघन्य अपराध है कि वो कौन बोला कि... सर आए दिन पत्रकारों पे हमला होते दिख रहा है, अभी ही नहीं बल्कि बिहार में, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। हाल ही में आपको मैं बता दूं कि बेगूसराय के बलिया में भी इधर दो तीन दिन पहले हम पत्रकार पर हमला हुआ था, जो काफ़ी लोग मारने की साजिश में ही थे, बस कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया। और इधर ही हाल में बीरपुर में भी हत्याकांड, पत्रकार हत्याकांड हुआ था, वहाँ भी गोलियों से छल्ली कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों सर? अभी जो समाज का स्थिति है, समाज क्या कहते हैं, समाज का जो स्थिति है, समाज बहुत ही शॉर्ट टेम्पर का हो गया है। और रही जो यह प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ पे हमला, बहुत ही खराब बात है, यह प्रशासनिक कमजोरी है, यह प्रशासनिक भूल है, इस वजह से हो रहा है। प्रशासन को इसमें किसी भी पत्रकार पे हमला हो, इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह घटना तो बढ़ता जाएगा, आज दो हुआ है, चार हुआ है, पाँच हुआ है, दस, बढ़ता जाएगा। जब तक प्रशासन इस पर सख्त निर्णय नहीं लेगा तब तक यह हमला रोकना संभव नहीं है, क्योंकि मीडिया बहुत सारे चीज़ों को उठाती है, जो गलत काम होता है उसको उठाती है, ऐसी परिस्थिति में लोग भड़कते हैं। अब बलिया की घटना, वहाँ अगर कोई मार्केट पे, रोड पे कुछ लगा के रखता है तो पत्रकार उठाए तो उनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन पब्लिक के द्वारा उनको पीटा गया, यह बहुत ही निंदनीय, भर्त्सना योग्य बात है, जो किसी मीडिया कर्मी पे या मीडिया के आदमी पे कोई लोग हाथ उठाते हैं, कोई मार देते हैं, यह बहुत ही गलत बात है। सर अगर पत्रकार को सच्चाई दिखाना गुनाह है, पत्रकार को अगर इस तरह से किया जाए तो फिर पत्रकार क्यों सर? पत्रकार कहाँ क्या करेगा तब? हाँ, इसमें तो सही बात है, जब कभी भी कोई सच बात सामने रखता है तो ऑटोमेटिक है, जो अगला आदमी गलती करता है तो उसको वह बुरा लगता है, वह हम ही क्यों ना हो, कोई और आदमी क्यों ना हो, अगर कोई सच बात दिखाने की कोशिश करता है तो उसका लोग प्रतिकार करता है, तो यह तो ह्यूमन नेचर है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, अगर उस गलती को आप कहीं मीडिया पे कहीं दिखा रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, हमको क्रोध तो आएगा ही, तो यह तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन प्रशासन अगर इस पर सख्ती करे तो मीडिया कर्मी पे हमला नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सर प्रशासन भी कहाँ सख्ती कर रहे हैं, प्रशासन के पास अगर जाते हैं तो लहूलुहान चेहरा, खून से लथपथ कपड़ा, और उसके बाद भी कहते हैं आवेदन की आवश्यकता है, और आवेदन देने के बाद भी अब कह रहे हैं कि अब कोरोना काल है। क्या सर जो उस पर हमला किया उसके लिए भी कोरोना काल है सर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोरोना काल है तो सबके लिए कोरोना काल है। अगर मान लीजिए कोई हत्या करता है, कोई किसी को मारता है तो वह कानून के दायरे में आता है। रहा जो आवेदन की बात, तो ठीक है, आवेदन तो दिया ही जाएगा। अब जब आदमी इंजोर्ड है, जब सर फटा हुआ है, कपार फटा हुआ, खून है, तो या तो देखने में आया, उसका सबसे पहले तो इंजुरी होना चाहिए, उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। आवेदन तो बाद में भी लिया जा सकता था, और कार्रवाई सबसे पहले सुनिश्चित हो, जो किसने हमला किया और किसने उसको जख्मी किया। सर अभी तो 11 तारीख को ही हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं दिख रही है। यह प्रशासन की नाकामी है, इस वजह से किसी पे हमला हो रहा है। आपने कहा ना, जी यहाँ बीरपुर में हमला हुआ, वहाँ बीरपुर में मार दिया गया, या वहाँ हमला हुआ, बार बार आए दिन देखने, तमाम क्षेत्रों में दिखने को आए दिन देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रशासन को इस पर सख्ती से कम कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा तब तक यह हमला होता रहेगा, और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, यह उनके ऊपर भी हमला है, प्रशासन के ऊपर भी हमला है। अगर मान लीजिए मीडिया अगर कुछ चीज़ को दिखाता है, अगर कहीं दिखाता है तो उससे उनको भी मदद मिलता है। हर चीज़ प्रशासन की जानकारी में रहना संभव नहीं है, हर चीज़ जनप्रतिनिधि के को जानकारी रहना यह संभव नहीं है। मीडिया कर्मी जान जोखिम में डाल के और उस सत्यता को मान लीजिए टीवी चैनल पर दिखाते हैं, इसके बाद उन पर हमला होता है, तो यह तो बहुत भर्त्सना योग्य बात है। प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे, अविलंब कार्रवाई करे,
कार्रवाई करने से होगा, जो जो भी मीडिया कर्मी अगर कोई चीज़ दिखाते हैं, अगर कोई सत्य बात है, अगर प्रशासन के नज़र में नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि के नज़र में नहीं है, किसी आदमी के नज़र में नहीं है, बहुत सारा ऐसा खेल होता है, जो मान लीजिए बहुत सारा ऐसा खेल हुआ है जो मीडिया के द्वारा ही उछाला गया है, तो प्रशासन और सरकार तक इस बात को पहुंची है। जब वह जो सत्य बोलने वाला लोग है उसी पे हमला होगा, या दिखाने वाला लोग है उसी पे हमला होगा, तो फिर सत्य दिखाएगा कौन, सत्य करेगा कौन? तो इसलिए प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, ये करे, और जो दोषी लोग हों उन पे अविलंब कार्रवाई की जाए। सर क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे कि एक आप ही जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, सर क्या मैसेज दे रहे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं वरीय पदाधिकारी को या प्रशासन को? मैं सभी वरीय पदाधिकारी, जो भी प्रशासन में हैं, जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, इस चीज़ को देखें, और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं, जो भी व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। किसी को प्रशासनिक, आप मान लीजिए कि आपको कौन राइट दिया किसी को मारने का, या किसी को ये करने का, जख्मी करने का, या ऐसे भी कानूनी अपराध है, आप किसी को मार दीजिएगा, किसी को ये कर दीजिएगा, ठीक है मीडिया कर्मी के द्वारा कुछ किया गया, तो उसकी लिखित शिकायत करते, उस मीडिया के कर्मी के खिलाफ शिकायत करते कि आप कहीं रोड पे खींच के उसको मार दीजिएगा, या तो ऐसे भी कानून के दायरे में आता है, या तो जघन्य अपराध है कि वो कौन बोला, किस पब्लिक को कौन बोला जो आप कानून हाथ में ले ले। कानून तो हाथ में लेने की चीज़ नहीं है। हम बढ़िया पदाधिकारी से आग्रह करेंगे जो इस चीज़ को अविलंब जाँच कर, और जो दोषी हों उन पर उचित कार्रवाई करें, सुनिश्चित करें, जिससे अगला घटना या दुर्घटना ना हो सके पत्रकारों पर। पत्रकारों पर से बात करेंगे सर, जवाब देने के लिए धन्यवाद सर। वीडियो न्यूज़ को।